इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर अभी भी SBI सुप्रीम कोर्ट के बीच तकरार जारी है। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर SBI को फटकार लगाई और कहा कि आदेश का पूरा पालन करें और साथ ही 21 मार्च शाम 5 बजे तक आयोग को पूरी जानकारी दें। बता दें कि कोर्ट ने बैंक से 12 अप्रैल 2019 के बाद का सारा डेटा मांगा है, जिसमें किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया, इस सब की विस्तृत जानकारी होगी। लेकिन हमारे पास एक डेटा ऐसा है जो ये बताता है कि अप्रैल 2019 से पहले ही कुछ पार्टियां ऐसी थीं जिन्हें संयुक्त रूप से 900 करोड़ का दान मिला और इन पार्टियों ने उसे तुरंत भुनाया भी। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कौन है वो 10 राजनीतिक पार्टियां जिन्होंने अप्रैल 2019 से पहले ही पार्टी को मिले चंदे को भुनाया। रविवार को ही चुनाव आयोग ने चुनावी चंदे से जुड़ी एक रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर साझा की, जिसमें हमें ये सारी बातें पता चली। 10 क्षेत्रीय दलों में से 8, यानी कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी, आंध्र प्रदेश की TDP, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा की बीजू जनता दल, तेलंगाना की भारत राष्ट्र समिति, सिक्किम में SDF, बिहार में जनता दल यूनाइटेड, महाराष्ट्र में शिवसेना उस दौरान सत्ता में थे जब चुनावी बॉन्ड की स्कीम लॉन्च हुई थी। इन 8 पार्टियों के अलावा देखें तो सिर्फ युवजन श्रमिक रायतू कांग्रेस पार्टी जो आंध्र प्रदेश में है और शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी कि NCP पार्टी उस समय ऐसी थी जो सत्ता में नहीं थी। चुनावी चंदे को भुनाने की अगर हम बात करें तो BJD ने जुलाई 2018 से लेकर के 2019 के बीच सबसे अधिक 235 करोड़ रुपए का चंदा प्राप्त करने की सूचना दी। इसके बाद नंबर आता है BRS का, जिसने 2018 से लेकर के 2019 के बीच 192 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड को भुनाया। YSRCP ने 165 करोड़ रुपए और TDP ने 101 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड भुनाए, तो वहीं TMC ने जुलाई 2018 से लेकर के 2019 के बीच 98 करोड़ रुपए के बॉन्ड को भुनाया। JDU ने बताया कि उसने 12 अप्रैल 2019 से पहले 10 करोड़ रुपए के 10 चुनावी बॉन्ड भुनाए। ये बॉन्ड 2 अप्रैल 2019 को SBI की कोलकाता शाखा से खरीदे गए थे। 30 मई 2019 को चुनाव आयोग को लिखे एक पत्र में JDU ने लिखा, कोई व्यक्ति 3 अप्रैल 2019 को पटना में हमारे कार्यालय में आया और एक सील बंद लिफाफा हमें सौंपा और जब हमने इसे खोलकर देखा तो हमने पाया कि इसमें 10 चुनावी बॉन्ड हैं जिनकी कीमत 10 करोड़ रुपए है। भारत सरकार की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार हमने SBI की मुख्य शाखा पटना में एक खाता खोला और इसे जमा किया, जो 10 अप्रैल 2019 को हमारी पार्टी के खाते में जमा किया गया। SDF ने बताया कि उसने 12 अक्टूबर 2018 को कुल 50 लाख रुपए के 5 चुनावी बॉन्ड बनाए। पार्टी ने आयोग को ये भी बताया कि ये सारे बॉन्ड वडोदरा स्थित एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल लिमिटेड द्वारा SDF को दान किए गए थे। अन्य क्षेत्रीय दलों में राष्ट्रीय जनता दल ने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से कुल 56 करोड़ रुपए प्राप्त किए, जिसमें 55 करोड़ रुपए 6 जुलाई से 13 अक्टूबर 2023 के बीच आए और बाकी के 1 करोड़ रुपए पार्टी को 2019 से पहले मिले। इसी तरह समाजवादी पार्टी ने 30 सितंबर 2023 तक चुनावी बॉन्ड के माध्यम से कुल 14 करोड़ रुपए दान मिलने की सूचना दी। सपा के सभी चुनावी बॉन्ड दान के रूप में 18 अप्रैल 2019 के बाद आए। इसका मतलब है कि समाजवादी पार्टी अप्रैल 2019 से पहले किसी भी प्रकार के दान को नहीं भुनाया। जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बताया कि उसे 50 लाख रुपए का केवल 1 चुनावी बॉन्ड मिला, जो अप्रैल 2019 को भारतीय ग्रुप द्वारा उसे दिया गया। शिरोमणि अकाली दल की बात करें तो चुनाव आयोग को ये सूचित किया गया कि उसे 20 अप्रैल 2019 और 14 जनवरी 2022 के बीच चुनावी बॉन्ड के माध्यम से उन्हें 7 करोड़ रुपए का दान प्राप्त हुआ। इसका मतलब है कि पार्टी को 2019 में लोकसभा चुनाव और 2022 में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दान मिला। पार्टी ने 12 अप्रैल 2019 से पहले किसी भी चुनावी बॉन्ड को भुनाने की सूचना नहीं दी है। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी ने बताया कि 7 नवंबर 2023 तक चुनावी बॉन्ड के माध्यम से उसे कोई भी दान नहीं मिला। कैसा लगा आपको ये वीडियो, में कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें जनसत्ता।